हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्लिक्स और बैंग्स जो भी है वो कैसे कट करते हैं, वो भी बहुत इजी वे में। तो आप देख सकते हो उनके कितने लंबे बाल थे। तो ये आपको पहले एक पार्टीशन लेना है, जिस साइड से उनका नेचुरल पार्टीशन है उसी साइड से आपको उनका पार्टीशन लेना है। मैं गीले बालों पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल फॉल नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं ये जो हेयर कट है वो ड्राई बालों में करूँगा। इसके साथ मैं एक पार्टीशन ले रहा हूँ उनके बालों में, क्रॉस ट्रायंगल सेक्शन। तो आपको भी ये सेक्शन लेना है। तो दोस्तों, आपको ये ट्रायंगल सेक्शन लेने के बाद इसे अच्छे से क्लिप कर लेना है और हम ये ड्राई हेयर में कट करेंगे, जिससे आपको एक नेचुरल फॉल पता चलेगा उनके हेयर में कि कैसा आ रहा है। तो ये सेक्शन प्रॉपर ले और सेम वे में दूसरे साइड से भी आपको उतना ही पार्ट का एक छोटा सा सेक्शन लेना है। तो बहुत इजी है दोस्तों, और ये ही ज़्यादातर लोग आज करते हैं। शॉर्ट टू लॉन्ग वाले बैंग्स यानी फ्लिक्स, ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है। बहुत लोग ऐसे फ्लिक्स करते हैं जिससे आप और वे हेयर कट में वेरिएशन दे सकते हो आपके। तो इसको मैं अच्छे से क्लिप कर लूँगा और उसके बाद ये वाला पार्ट हम लोग कट करेंगे जो मैंने ऑलरेडी सेक्शन में निकाला है। उसके बाद अच्छे से एक बार कॉम कर लो और उसके साइड में रुक के आपको अच्छे से कॉम कर लेना है। मैं अभी डायरेक्टली फिंगर में नहीं कट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसे कॉम में ही कट करूँगा। तो देखिए, पहले मैंने सेक्शन लिया और उसे क्रॉस, जिस साइड से आपको शॉर्ट टू लॉन्ग करना है, एक बार क्लाइंट से कंफर्म कर लो लेंथ। अगर लेंथ एक बार कंफर्म हो गई फिर उसके बाद आपको उसे कट कर लेना है। अभी जैसे मैंने पूछा इतना शॉर्ट ठीक है, तो क्लाइंट ने बोला नोज लेवल से नीचे, तो मैं फिर उतना लेवल का हेयर कट कर रहा हूँ। एकदम आराम से आपको कट कर लेना है, उसके बाद आपको प्रॉपर फॉल मिल जाएगा उनके हेयर में, शॉर्ट टू लॉन्ग वाला। नोज लाइन में लाके मैंने उसे कट किया है। उसके बाद थोड़ा फिंगर से थोड़ा सा प्रॉपर मर्ज करूँगा और उसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगा। तो दोस्तों देखो, इसमें पता चलेगा आपको कि मैं कैसे शॉर्ट टू लॉन्ग एक बैंग्स फ्लिक्स कट कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, कितना अच्छा फॉल आ रहा है उनके हेयर में, शॉर्ट टू लॉन्ग वाला। तो आप भी ये टेक्निक से आपके क्लाइंट के बालों को अच्छे फ्लिक्स दे सकते हो। और अगर आपको और भी शॉर्ट चाहिए तो आप और भी शॉर्ट कर सकते हो। इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी लॉन्ग में ही थी, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा कट नहीं किया है। नोज़ लेवल के लाइन में ही मैंने इनके बालों को कट किया है। देखो, इसके साथ सेम वहाँ का गाइडलाइन लिया और यहाँ से मैं उसे हल्के से कट कर रहा हूँ। तो आपको भी ये टेक्निक यूज़ करनी है और आप भी सिमिलर ऐसा कट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, शॉर्ट तो लॉन्ग ये बाल हो गए। तो उसके बाद आपको ऊपर लेके हल्का सा आप मर्जिंग कर सकते हो, जिस साइड में भी पार्टीशन किया उस हेयर को लेके हल्का सा ऊपर लेके थोड़ी सी नॉचिंग करनी है एकदम एंड में, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी नॉचिंग करूँगा मैं ऊपर लेके। तो आपको भी अगर कोई भी ये हेयर कट रिलेटेड फ्लिक्स में और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बताओ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अविनाश हेयर केयर का और प्रिया स्किन केयर का, तो वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, एकदम स्लांट लाइन है शॉर्ट टू लॉन्ग और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके फेस के ऊपर। जिनका ज़्यादा बड़ा फोरहेड होता है, आप वैसे क्लाइंट को ये दे सकते हो और काफ़ी हद तक वो अच्छा लगता है, क्योंकि फोरहेड अगर ज़्यादा ब्रॉड हो, कुछ उनको स्टाइल चेंज करना है, बहुत दिन से सेम हेयर कट रख रहे हो, तो आप फ्रिंजेस में कुछ वेरिएशन करके क्लाइंट को अच्छा लुक दे सकते हो। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से इनवर्ड ब्लो ड्राई किया है। तो दोस्तों, और भी कोई अगर आपको नए वीडियोस या फिर और कुछ नई चीज़ें सीखनी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और मेरा दूसरा एक चैनल है प्रिया स्किन केयर, उसे भी आप फॉलो करो या सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आउटवर्ड मैंने ब्लो ड्राई करना स्टार्ट किया है, पहले इन किया उसके बाद आउटवर्ड किया, तो आपको इनका एक फॉल पता चल जाएगा कि कैसा ये लुक उनके फेस पे आ रहा है। उसके बाद अच्छे से ब्रश किया और जो भी डिज़ायर उनका पार्टीशन वहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया। तो एकदम इजी है दोस्तों फ्लिक्स, बट फ्लिक्स बहुत ध्यान से कट करना है। अगर ये ठीक से कटे नहीं तो सामने की तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये एकदम फ्रंट का फॉल होता है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देते हुए इसे कट करना है। तो दोस्तों देखो, आपको पता चल रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है उनके फेस के ऊपर वो बैंग्स वाला लुक, और वो कैरी भी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं उनके फेस के ऊपर। अब जब
पूरे बाल खुले छोड़े तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा वो लग रहा है। तो आप भी ये हेयर कट कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें सीखनी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और ऐसे ही देखते रहिए अविनाश हेयर केयर। और आपके लिए और भी नए वीडियोज़ में जल्दी अपलोड करूँगा। और भी चीज़ें कुछ सीखने हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि और क्या चीज़ें आपको सीखनी है, और ये हेयर कट में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगा, और मैं देता भी हूँ हर एक कमेंट का आंसर। तो देखो दोस्तों, अगर ये टाई भी करेंगे ऊपर तो ये कितना अच्छा लगेगा उनके फेस के ऊपर। देखो यहाँ पर भी टाई किया तो कितना अच्छा लग रहा है अगर वो ऊपर टाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए अविनाश हेयर केयर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।